ओके, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बच्चे, आज हमारा नेफ्रोलॉजी का लेक्चर 1 है, ठीक है। इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्यूट किडनी इंजरी को, और आप लोगों को मैंने ग्रुप में भी वहाँ पे अपडेट किया था कि आपका जो एसिड बेस के लेक्चर्स हैं वो आप लोगों को सेपरेटली प्रोवाइड किए जाएंगे। 2 मैंने रिकॉर्ड कर लिए हैं, एक और मुझे रिकॉर्ड करना है। और जो एसिड बेस के लेक्चर्स हैं बच्चे, वो आप अप्लाई कर सकेंगे जनरल सर्जरी में भी, सिस्टेमिक सर्जरी में भी, मेडिसिन के लिए भी, और इवन पीड्स के लिए भी। ठीक हो गया? अच्छा, तो बच्चे आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, दैट इज एक्यूट किडनी इंजरी। एक्यूट किडनी इंजरी जो है बच्चे, ये टर्म यूज होती थी पहले, एक्यूट रीनल फेलियर यूज होती थी टर्म, ठीक है। एक्यूट रीनल फेलियर को हमने रिप्लेस किया एक्यूट किडनी इंजरी के साथ। ये ज्यादा रेलिवेंट टर्म है क्योंकि आप ये देखें कि एक्यूट रीनल फेलियर में आता है कि जैसे मतलब ये इंप्रेशन मिलता है कि सडन शटडाउन तो है किडनी का, लेकिन सडन के साथ साथ ये इम्प्लीकेशन होती है कि जैसे कंप्लीट शटडाउन हो गया है, अब किडनी काम कर ही नहीं सकती। ठीक हो गया? तो इस टर्म को रिप्लेस किया गया। जितनी भी नेफ्रोलॉजी की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने डिसाइड किया, और उसके अकॉर्डिंग बच्चे कॉजिटिव बेसिस पे इसको नाम दिया गया एक्यूट किडनी इंजरी का। खास तौर पे आप लोग ये देखेंगे कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत कॉमन ये इवेंट होता है कि जो पेशेंट सेप्सिस के शिकार होते हैं उनके अंदर एक्यूट किडनी इंजरी बहुत जल्दी डेवलप कर जाती है, ठीक है। एक्यूट किडनी इंजरी की कॉजेज पे जाने से पहले बच्चे, मैं आप लोगों को एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन लिखवा दूं जो कि बेसिकली हैरिसन की लाइंस है, ठीक है, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि जो एक्यूट किडनी इंजरी है हम कब कहते हैं कि एक्यूट किडनी इंजरी हो चुकी है। तो इसका जो क्राइटेरिया है बच्चे, डेफिनेशन की फॉर्म में ये देख लीजिए कि एकेआई की 3 कंडीशन कौन कौन सी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि अगर राइज हो जाए सीरम क्रिएटिनिन का बेसलाइन लेवल से तकरीबन 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इंक्रीज हो जाए विद इन 48 आवर्स। मैं दोबारा इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, हम लोग सीरम क्रिएटिनिन की बात कर रहे हैं कि सीरम क्रिएटिनिन जो है, अगर फॉर एग्जांपल नॉर्मली हम कहते हैं कि वो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर उसकी रेंज होती है, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नॉर्मल क्रिएटिनिन की वैल्यू जो होती है वो 0.6 से 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक अलाउड है, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदे की जो सीरम क्रेट थी तो दैट इज 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एट बेसलाइन, लेकिन अब वो इंक्रीज करके 1.5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक हो गई है, तो इसके अंदर जो 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर का इंक्रीज आया है विद इन 48 आवर्स, इसको हम लोग लेबल करेंगे एक्यूट किडनी इंजरी। 48 आवर्स से ज्यादा टाइम होगा तो फिर उसको हम लोग एक्यूट लेबल नहीं करेंगे। दूसरा बच्चे जो इसका क्राइटेरिया है, दैट इज ये वाला पहला था 48 आवर्स वाला। दूसरा जो बच्चे का क्राइटेरिया है ये है विद इन 1 वीक वाला। अब विद इन 1 वीक वाला क्या है, कहता है कि फॉर एग्जाम्पल जो सीरम क्रेट का जो भी लेवल था बेसलाइन उससे 50% इंक्रीज कर गया है। तो इसकी एग्जाम्पल दोबारा ये कोट करता चलूं कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बंदे की सीरम क्रेट का लेवल 1.2 है और उसके अंदर 50% इंक्रीज आ गया है और वो बन गई है 1.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट 50% इंक्रीज जो इसके अंदर आया है विद इन अ वीक, इसको भी हम लोग एक्यूट किडनी इंजरी ही कहेंगे। उसके बाद बच्चे तीसरा जो इसका क्राइटेरिया एग्जिस्ट करता है एक्यूट किडनी इंजरी को लेबल करने का, वो हम लोग कंसिडर करते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूरिन आउटपुट। यूरिन आउटपुट जो है बच्चे, अगर 6 आवर्स से ज्यादा के लिए, 6 आवर्स गुजर चुके हैं और उसके बाद भी जो मैं आपको वैल्यू लिखवाने वाला हूँ वो बहाल नहीं हुई, वो रिस्टोर नहीं हुई, तो इसका मतलब है एक्यूट किडनी इंजरी है। और वो वैल्यू क्या है, 0.5 ml/kg से अगर आपका यूरिन आउटपुट कम है तो इसका मतलब है बंदा एकेआई का शिकार है। ये 3 बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस थी इसको क्लासिफाई करने के लिए, इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए बेसिकली, तो इनको आप लोगों ने डिटो ऐसे ही याद करना है। इंशाल्लाह ताला जब आप लोग हाउस जॉब के अंदर जाएंगे तो यू आर गोइंग टू लेबल पेशेंट के इसको एक्यूट किडनी इंजरी है। एक दफा सब बच्चे